मर तो जाए। अरे यार भाई देख लो भाई, तो भाई देख सकते हैं कि मैंने MP40 से बंदे को यहाँ पे काफी जल्दी निपटा दिया, और एक बंदा यहाँ पे जो चिमकांटी की MP कर रहा था। अरे 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 भाई चलो, तो देख लो दोस्तों यहाँ पे बंदा भी मर चुका है। तो देख सकते भाई इसका नजारा काफी ज्यादा अच्छे खतरनाक देखने को दिख जाते व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और बढ़िया होंगे। तो भाइयों मैं आज आपके लिए फ्री फायर का काफ़ी अच्छा सा एंटी बैन हैक लेकर आ चुका हूँ। इस हैक के थ्रू दोस्तों आप इजीली 2 से 3 दिन में ग्रैंड मास्टर लगा लेंगे। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया दोस्तों, इसका एक काफ़ी बड़ा रीजन हो गया था, वो रीजन दोस्तों मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एंटी बैन हैक लेकर आ चुका हूँ। इस हैक में दोस्तों देख सकते हैं आपको बंदे का होलोग्राम देखने को मिल जाते हैं, और दोस्तों ऊपर में एक मैंने लाइन दे रखा है जहाँ से दोस्तों आप बंदे का होलोग्राम देख सकते हैं, और दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि बंदे कहाँ पे आपका कैंप कर रहे हैं या फिर कहाँ पे छुपे पड़े हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये जो है आप इस प्रकार से बंदे को आप किल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं बंदे हमारे यहाँ पे, मैं फायर कर रहा हूँ मैजिक बुलेट। दोस्तों ये जो है पूरी तरह से मैजिक बुलेट की तरह वर्क करता है। भाई मर जा क्यों, हाँ मर गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है हमारे इस प्रकार से वर्क करता है। बंदे देख सकते हैं यहाँ पे छिपे पड़े हैं। भाई मेरे को पहले मेडिकल मारना हो गया, बंदे इस प्रकार से कैंपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बंदे हमारे यहाँ पे हैं, तो मैं क्या करता हूँ पीछे से मारता हूँ। तो देख सकते हैं बंदे हमारे यहाँ पे ऐसे मार रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों बंदे को काफ़ी ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बंदे को, दोनों बंदे तीनों बंदे मैंने यहाँ पे किल ले लिया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो है पूरी तरह से एंटी बैन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है कि भाई लोग आप लोग प्लीज़ मेन आईडी में यूज मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका मेन आईडी ब्लॉक भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इस अपडेट में आपका अगर आईडी ब्लॉक हो जाता है तो दोस्तों आपका आईडी बहुत ही मुश्किल से आपका आईडी वापस अनब्लॉक होता है। तो दोस्तों मैजिक बुलेट के लिए आपके पास हाई डैमेज वाला गन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर बड़ी शॉट के लिए हाई डैमेज वाला गन का यूज़ करते हैं तो बंदे को आप काफ़ी इजीली किल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस हैक में आपको बहुत तरह के फीचर मिलते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास जो करेक्टर है उसका दोस्तों होलोग्राम देख सकते हैं आप। करेक्टर के आस पास काफ़ी सारे रेडिएशन है दोस्तों, देख सकते हैं आपको। यदि आप गन ले लेते हैं तो आपका वो रेडिएशन हट जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बंदा यहाँ पे है, तो मैं इसे फायर कर रहा हूँ, देख सकते हैं बंदा यहाँ पे डाउन हो चुका है। अब दोस्तों जैसे दूसरा बंदा आता है मैं इसको भी मारता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बंदे हमारे छुपे पड़े हैं। तो दोस्तों इस हैक में आप वॉल के आर पार नहीं मार सकते हैं, तो आपको बंदे के पास जाना है, एम को कहीं भी रख के आपको फायर करनी है। तो देख सकते हैं हमारा बंदा यहाँ पे थोड़ा बहुत छुपा पड़ा है, और देख सकते हैं यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ, तो बंदा हमारे यहाँ पे डाउन होके कंप्लीट भी हो चुका है। अब दोस्तों इस हैक को आपको कैसे अप्लाई करनी है दोस्तों, ये हैक काफ़ी ज़्यादा ईजी है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, तब मैं आपको बताऊँगा कि ये हैक किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है, और ये हैक आप कितने मैच खेल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है कि आप ओनली 8 लेवल के आईडी में यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका आईडी मेरा आईडी अगर आपका ब्लॉक लिस्ट हो जाता है दोस्तों आपका आईडी जल्दी से अनब्लॉक नहीं होता है। तो देखा कि दोस्तों अगर शॉर्ट रेंज में अगर फाइट करते हैं दोस्तों आपको MP40 या फिर MP5 का जो 3 चिप होता है दोस्तों वो आप लेके खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पास में बंदे रश कर जाते हैं तो दोस्तों आप इजीली से उसको नहीं मार पाते। अरे भाई देखा यार मार दिया इन्होंने। अरे ब्रो कैन यू हेल्प, बचा लो यार। अरे माइक मेरा ऑन नहीं कर सकते यार। अरे बचाओ भाई, हेलो कैन यू हेल्प मी ब्रो। अरे यार बचा ले भाई। हाँ नाइस ट्रैप, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा यहाँ पे जो एनमी है, देख सकते हैं यहाँ पे छिप के पड़ा है चिमकांडी। तो दोस्तों पहले मैं मेडिकेट मार लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों बंदे के पास आप ऐसे रश करते हैं तो बंदा आपको इजीली मार देता है। तो देख सकते दोस्तों आपको दिख रहा होगा बंदा हमारे पास कहाँ पे है। अरे चिमकांडी चचा निकल जा बाहर। तो देख सकते हैं भाई बंदा हमारे एक बार यहाँ पे है यार, तो इसके पास हम MP40 लेके चलते हैं यार। तो देख सकते हैं MP40 से ये लोग। अरे भाई तू मर तो जाए। अरे यार भाई देख लो भाई, तो भाई देख सकते हैं कि मैंने MP40 से बंदे को यहाँ पे काफ़ी जल्दी निपटा दिया, और एक बंदा यहाँ पे जो चिमकांटी की MP कर रहा था। अरे 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 भाई चलो, तो देख लो दोस्तों यहाँ पे बंदा भी मर चुका है। तो देख सकते भाई इसका नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे खतरनाक देखने को दिख जाते हैं। तो भाई बंदे का देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो करेक्टर है उस करेक्टर का आप आसपास देख सकते हैं कितने सारे रेडिएशन की तरह दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस हैक में आपको बहुत तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक राउंड और है दोस्तों, इसको खेलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हैक किस प्रकार से अप्लाई करनी है, और दोस्तों ये हैक किस प्रकार से वर्क करता है।
और दोस्तों जो मैं फाइल में यूज करूंगा वो फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप पेट लेवल के आईडी में इस हैक को लगाए खेलेंगे। और दोस्तों आप एक अपना टीम बनाएंगे, टीम के साथ आप रैंक पुश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख सकते बंदे, पता चल चुका है कि हमारी टीम में हैकर आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते बंदे यहाँ पे छुपे पड़े हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे यार बंदे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे यार। तो देख सकते भाई बंदे यहाँ पे, अरे भाई बाहर तो निकल जा भाई, जल्दी से वीडियो बनाते हैं। तो भाई देखो ये चिमकांडी बाहर निकला हुआ चला गया। भाई देखो बंदे यहाँ पे, ये बंदे आ रहे हैं, इसको शॉट रेंज की गन से मारते हैं। तो देख सकते दोस्तों बंदे हमारे पास यहाँ पे छुप के पड़े हैं और यहाँ पे कैंप भी कर रहे हैं। तो देख सकते चिमकांडी, अरे भाई कच्चा मत मार, मेरे पास वाल भी नहीं है। तो देख सकते भाई ये बंदा यहाँ पे है, उसको मार के बाद उसके बाद आपको बताते हैं किस प्रकार से पेड़ को अप्लाई करनी है। तो दोस्तों इस हैक को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, आपके पास ओनली सिर्फ जेड एप्लीकेशन की जरूरत होता है। तो चलिए दोस्तों आप दिखाते हैं कि इस हैक को कैसे अप्लाई करनी है, इसमें क्या क्या करनी है। तो चलिए बैक कर, तो देख सकते हैं फ्रेंड मैंने यहाँ पे अभी कितने 10 किल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों आप किल तो हो चुका है, चलिए अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। इस हैक को अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप जो नॉर्मल फ्री फायर खेलते हैं सिंपली दोस्तों आपको नॉर्मल फ्री फायर को अनइंस्टॉल कर देनी है। उसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप मेरा फ्री फायर को डाउनलोड कर लेंगे। और दोस्तों मैं फाइल का भी लिंक दे दूंगा, वहां से दोनों फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले जेड अर्चीवर को डाउनलोड करनी है, जो कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, जिसका नाम है दोस्तों जेड अर्चीवर। इसका जरूरत पड़ने वाला है आपको हैक अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप मीडिया फायर में हमारे फाइल को डाउनलोड करें क्रोम ब्राउजर में। तो सिंपली आपको आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करनी है दोस्तों। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पे चलनी है, उसके बाद दोस्तों आपने जो हमारे फाइल को यहाँ पे डाउनलोड किया दोस्तों, सिंपली आपको डाउनलोड पर चलनी है। डाउनलोड पर चलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है फ्री फायर 32 बिट APK। दोस्तों सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करनी है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको चलनी है जेड अर्चीवर पर। जेड अर्चीवर पर चलने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों free fire.apk लिखा है, सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करनी है। टैप करने के बाद फ्रेंड्स आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देनी है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके इनको इंस्टॉल कर लेनी है। फ्री फायर इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देनी है। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से वही दोस्तों क्रोम ब्राउजर पे आपको फिर से चलनी है। क्रोम ब्राउजर पे चलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ्री फायर 32 बिट का दोस्तों OVP फाइल है, सिंपली दोस्तों आपको फाइल पे भी क्लिक कर लेनी है। फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चलनी है जेड अर्चीवर पे। जेड अर्चीवर पे चलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है com.detail.freefire.dev, सिंपली आपको इसको ऊपर दबा के रखना है। उसके बाद कॉपी पे चलना है, कॉपी करने के बाद आपको ऊपर टैप करना है। ऊपर पे चलने के बाद आपको डिवाइस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद चलना है दोस्तों आपको एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड पे चलने के बाद दोस्तों आपको चलना है OVP पे। उसके बाद मेरे भाई आपको यहाँ पे पेज का ऑप्शन, सिंपली आपको पेज के ऊपर क्लिक कर देनी है। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे OVP फाइल यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों अभी आप वीडियो को यहाँ पे बैक मत कीजिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अब दोस्तों आप क्या करना है, आपको सिंपली आपको फ्री फायर जो आपने अभी इंस्टॉल किया सिंपली दोस्तों आपको उसको ओपन करना है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, आपको वीडियो के एंड में पता चलने वाला है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे फ्री फायर को यहाँ पे ओपन कर लेनी है। फ्री फायर ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेनी है। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप इसमें अपना मेल आईडी यूज मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका मेल आईडी ब्लॉक भी हो सकता है। और दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा कि दोस्तों मेल आईडी अगर आपका बैन हो जाता है तो दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फ्री फायर यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ अपडेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आपको 4.74 का अपडेट देखने को मिल जाता है। सिंपली दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करके आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। फ्री फायर को थोड़ा सा अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से चलनी है दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे चलने के बाद दोस्तों आपको सिंपली वहीं पे थ्री डॉट पे चलने हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चलने यहाँ पे डाउनलोड पे। आप दोस्तों डाउनलोड में जो तीसरे का ऑप्शन दिया था दोस्तों राहुल हैकर मैजिक बुलेट कैचे फाइल, तो दोस्तों सिंपली आपको नीचे वाले ऑप्शन जो है कैचे फाइल पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको चलनी है जेड अर्चीवर पे फिर से। उसके बाद चलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैजिक बुलेट प्लस होलोग्राम लेजर लिखा है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर टैप करनी है। टैप करने के बाद हैक फाइल पे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है OVP PD कैच लिखा है दोस्तों। सिंपली आपको इसके ऊपर दबा के रखना है, मेरे भाई कॉपी के ऊपर चलनी है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली ऊपर टैप करनी है। ऊपर टैप करने के बाद चलना है आपको डिवाइस मेमोरी पे। उसके बाद मेरे भाई आपको चलनी है एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड पे चलने के बाद चलना है आपको डेटा के ऊपर। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा com.detail.freefire.dev।
तो देख सकते हैं मेरे भाई हमारे यहाँ पे कॉम डेटेड और फ्री फायर टीएच कहाँ पे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है। तो सिंपली मेरे भाई आपको इसके ऊपर टैप करनी है, टैप करने के बाद दोस्तों आपको कैचे पे चलनी है, कैचे पे चलने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करनी है मेरे भाई, आपको यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक कर देनी है। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका काम हो चुका है, आपका हैक लग चुका है। अब दोस्तों इस हैक से आप इजीली ग्रैंड मास्टर भी लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर कॉल पर सेलेक्ट कर लिया करो। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।